समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी महागठबंधन की उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आज संयुक्त रैली है। इस रैली में 1995 के गेस्ट हाउस कांड के 26 साल बाद मायावती और मुलायम सिंह दोनों एक मंच पर एक साथ मौजूद हैं। इस रैली पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पुराने विरोधी मुलायम सिंह के लिए यहां से वोट मांगेंगी। वहीं इस रैली के जरिए महागठबंधन प्रतिद्वंदियों को ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि सभी दल भाजपा के खिलाफ एकजुट है। बता दें 1993 में गठबंधन कर सरकार बनाने वाली सपा और बसपा के बीच 5 जून 1995 को लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद जबरदस्त खाई पैदा हो गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले सपा से हाथ मिलाने के बाद मायावती स्पष्ट कर चुकी हैं कि दोनों पार्टियों में भाजपा को हराने के लिए आपसी गिले शिकवे भुला दिए हैं। वहीं इस रैली में मायावती मुलायम सिंह के समर्थन में क्या बयान देने वाली है, ये गौर करने वाली बात होगी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स।